यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सोनीपत पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने दावा किया कि रामलीला ग्राउंड दिल्ली में 29 अप्रैल को कांग्रेस की होने वाली जन आक्रोश रैली में हरियाणा से 1,00,000 लोग भाग लेंगे। तंवर सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। तंवर ने कहा कि बीजेपी की ओर से प्रदेश में 11 स्थानों पर खोले गए कार्यालय इस बात का संकेत करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली पार्टी के पास इतने कार्यालय एक साथ खोलने का पैसा कहां से आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से खोले गए ये कार्यालय ही उसकी कब्र खोदने का काम करेंगे। पाप की कमाई पर आधारित खोले गए ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का समूल नाश करेंगे, ऐसा दावा किया है अशोक तंवर ने। हर वर्ग के अंदर आज किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, माता बहनों की सुरक्षा और उनकी रक्षा का मामला हो, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है और इसीलिए जनता के अंदर भारी आक्रोश है। जनता आज कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के परिवर्तन करने के मूड में है और जिस तरीके के रुझान है मैं समझता हूँ कि वो टारगेट से डबल दिल्ली के अंदर हरियाणा की भागीदारी रहेगी।